चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में 10,000 करोड़ की लागत के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 14 नई परियोजनाओं के लिए स्वीकृति दी है और इसकी विस्तृत परियोजना तैयार की जाएगी। इसके बाद निर्माण कार्य जल्द ही शुरू हो सकेगा। दरअसल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली दौरे पर है। सोमवार को भारत मंडपम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक में वे शामिल हुए और बैठक में छत्तीसगढ़ में चल रही परियोजनाओं की प्रगति और भविष्य की योजनाओं पर मंथन हुआ। उनके साथ डिप्टी सीएम अरुण साव भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महत्वपूर्ण सौगात के लिए केंद्रीय मंत्री का आभार भी प्रकट किया है और कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास को नई गति मिलेगी। और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे रायपुर से, अंकुश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुश, एक बड़ी सौगात अब छत्तीसगढ़ को मिलने जा रही है, क्या कुछ अधिक जानकारी सामने आ रही? बैठक में किस तरह की चर्चा हुई है, किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार विमर्श हुआ? देखिए, छत्तीसगढ़ के लिहाज से अगर देखें तो काफी महत्वपूर्ण ये खबर है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अब नए जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसको लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की तरफ से 10,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है और नई राष्ट्रीय राजमार्ग की DPR तैयार होगी। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो विकास की इबारत लिख रहा छत्तीसगढ़, उसमें एक नई कड़ी जुड़ती हुई दिखाई दी है। दरअसल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम अरुण साव दिल्ली के दौरे पर हैं और दिल्ली के दौरे के दौरान आज भारत मंडपम में जो महत्वपूर्ण बैठक हुई है, उस बैठक से छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर जो है वो निकलकर सामने आई है। भारत मंडपम में जो परिवहन मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण बैठक थी, उस बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल रहे हैं और छत्तीसगढ़ में सड़कों को लेकर या फिर अन्य विभागों के कामों को लेकर समीक्षाएँ हुई हैं। उन्हीं समीक्षाओं के दौरान छत्तीसगढ़ की तरफ से डिमांड रखी गई थी और उसी डिमांड को पूरा आज केंद्रीय मंत्री की तरफ से किया गया है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये 10,000 करोड़ रुपए की जो सौगात मिली है, उस सौगात से छत्तीसगढ़ में आने वाले समय में बिल्कुल की अगर हम बात करें, चाहे वो राष्ट्रीय राजमार्ग हो या राज्य के मार्ग हो, उन तमाम लोगों को जो है वो सुगमता मिलती हुई बिल्कुल अंकुश। और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ को इस बैठक में करोड़ों की सौगात दी गई है केंद्र मंत्री नितिन गडकरी द्वारा और साथ ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा भी उनका आभार प्रकट किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे भोपाल की। भोपाल से बड़ी जानकारी अब तक साझा कर दे, अनुराग जैन होंगे MP के नए मुख्य सचिव। ये बड़ी जानकारी अब तक साझा कर दे, 1989 बैच के IAS अफसर है अनुराग जैन। बड़ी खबर, सामान्य प्रशासन विभाग आज आदेश जारी करेगा, तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि भोपाल से बड़ी खबर है जहां अनुराग जैन अब MP के मुख्य सचिव होंगे। 1989 बैच के IAS अफसर है अनुराग जैन। इसके साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग आज ये आदेश जारी करेगा, तो MP को नया मुख्य सचिव मिलने जा रहा है और नए जो मुख्य सचिव है वो अनुराग जैन होंगे। 1989 बैच के IAS अफसर है अनुराग जैन और सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आज आदेश भी जारी कर दिया जाएगा। तो भोपाल से बड़ी जानकारी, बड़ी खबर सामने आ रही है। अब MP को मुख्य सचिव, नए मुख्य सचिव मिलने जा रहे हैं और इनका नाम अनुराग जैन है। 1989 बैच के IAS अफसर ये रह चुके हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि सामान्य प्रशासन विभाग आज ये आदेश जारी कर देगा और फिर आपको बता दें कि ये अपने पद पर विराजमान हो जाएंगे। ज्यादा जानकारी साझा करेंगे भोपाल से, अतुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, मध्य प्रदेश को एक नया मुख्य सचिव मिलने जा रहा है अनुराग जैन, इनका नाम बताया जा रहा है, क्या अधिक जानकारी है, किस तरह इनका कार्यकाल रहा है? देखिए, काफ़ी अनुभवी IAS अधिकारी हैं और 1989 के बैच के अधिकारी हैं और इस समय प्रतिनियुक्ति पर भारत सरकार सड़क परिवहन राज मंत्रालय में अभी उनकी प्रतिनियुक्ति है। काफ़ी गंभीर नेचर के ये व्यक्ति माने जाते हैं, काफ़ी अनुभव रहा है, अलग अलग विभागों से इनका कार्यकाल रहा है। यानी कि जिस तरीके से अनुराग जैन का साफ जो निकल के आया, कहीं ना कहीं दो नाम सामने चल रहे थे, उसमें से अनुराग जैन के नाम पर सहमति बनी और कहीं ना कहीं इसका सहमति के पीछे एक बड़ा कारण दिल्ली भी हो सकता है, क्योंकि दिल्ली को लेके भी माना जा रहा था कि मुख्य सचिव का जो निर्णय है उसका आखिरी जो निर्णय है वो दिल्ली पे रहेगा और ऐसा ही हुआ। आज शाम तक इसका ऑर्डर निकल जाएगा। ऑर्डर निकलने के बाद मध्य प्रदेश के नए मुख्य सचिव के रूप में अनुराग जैन अपना कार्यभार संभालेंगे। देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण पद रहता है, क्योंकि मध्य प्रदेश का विकास का क्या रूट मैप होगा, किस तरीके से मध्य प्रदेश को गतिशील मध्य प्रदेश की तरफ लेके जाया जाएगा, एक अलग अलग जो चुनौती है मध्य प्रदेश में उसको किस तरीके से उस चुनौतियों को पूरा किया जाएगा, ये मुख्य सचिव के हाथ में रहता है। यानी कि
बड़ी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश में अनुराग जैन को मिलने जा रही है और इसको लेके जो एक अटकलें चल रही थी पूरी तरीके से विराम हो चुकी है। शाम तक उसके आदेश भी सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निकाल दिए जाएंगे। देखिए मध्य प्रदेश में अगर हम देखें तो मोहन सरकार लगातार प्रदेश को विकास के लिए काम कर रही है। ऐसे में अनुराग जैन का जो अनुभव है वो कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार के लिए काफ़ी काम आने वाला है, क्योंकि दूरदृष्टि के साथ काम करना, गंभीर नेचर के, गंभीर स्वभाव के व्यक्ति माने जाते हैं। हर इसके पहले जितने भी विभाग उनके पास रहे उसमें कई विभागों में जब उनका कार्यशैली जो देखने को मिली, सख्त लिहाजे से काम करना और भ्रष्टाचार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त ना करना, ये तमाम कहीं ना कहीं उनके नेचर के अंदर शामिल हैं। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ा फैसला होने जा रहा है। मुख्य सचिव के रूप में अनुराग जैन मिले हैं। देखिए मध्य प्रदेश में कई प्रकार की चुनौतियाँ इस समय काम कर रही हैं। खासतौर पर अगर आप देखें प्रदेश सरकार के सामने भी उन चुनौतियों का सामना करना एक सामने दिखाई दे रही है। खासतौर पर जिस तरीके से युवाओं की बात करें, महिलाओं की बात करें, निवेश की बात करें, तमाम कहीं ना कहीं ये एक वर्ग है जो किसी से काम सरकार करते हुए दिखाई दे रही है। ऐसे में अनुराग जैन का मुख्य सचिव के रूप में पदभार संभालना और मध्य प्रदेश में आगे काम करना एक बेहद महत्वपूर्ण समय माना जाएगा ये मध्य प्रदेश के लिए, क्योंकि जिस तरीके से दूरदृष्टि के साथ वो काम का उनका अनुभव है वो कहीं ना कहीं अब सीधे तौर पर मध्य प्रदेश के लिए काम आता हुआ दिखाई देगा। और ऐसे में सामान्य प्रशासन विभाग शाम तक ये आदेश जारी कर देगा। और क्योंकि ये माना जा रहा था कि पिछले कुछ समय पहले भी मुख्यमंत्री मोहन यादव से उनकी मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात के दौरान ये अटकलें जरूर लग रही थी, लेकिन बीच में जिस तरीके से सामने दूसरे कई और नाम भी आ रहे थे तो उसको लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि रेस में कई नाम शामिल है। लेकिन कहीं ना कहीं अनुराग जैन की सहमति पे मध्य प्रदेश और दिल्ली दोनों तरफ से सहमति बनी है और मुख्य सचिव के रूप में अब मध्य प्रदेश के अंदर आने वाले समय में अनुराग जैन काम करते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल अतुल, और उम्मीद भी हम यही जता रहे हैं कि अब इनके आने के बाद, यानी कि अनुराग जैन के आने के बाद, मध्य प्रदेश के विकास को और भी चार चांद लगेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अतुल तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे रायपुर की। रायपुर से बड़ी खबर, जहां कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। नुक्कड़ नाटक के जरिए कानून की स्थिति को दर्शाया है कांग्रेस द्वारा। प्रदेश में हत्या जैसे क्राइम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कांग्रेस का ये कहना है छत्तीसगढ़ अपराध हिंसा से मुक्ति चाहता है, कांग्रेस ने ये भी कहा है। तो देखिए नुक्कड़ नाटक के जरिए कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन यहां पर किया गया है और उनका ये कहना है कि छत्तीसगढ़ में अपराध बढ़ते जा रहे हैं, हिंसाएं लगातार बढ़ती जा रही है, प्रदेश इन सबसे मुक्ति चाहता है। 2 अक्टूबर को न्याय यात्रा का समापन होगा, कांग्रेस ने यह भी कहा है। तो देखिए बड़ी जानकारी आप तक साझा कर दे। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये नुक्कड़ नाटक की तस्वीरें हैं। कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस द्वारा नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन किया गया है, इसको दर्शाया गया है। नुक्कड़ नाटक के जरिए कानून की स्थिति को कांग्रेस द्वारा दर्शाया गया। विरोध में प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी 27 तारीख को विरोध परी से यात्रा चालू करके 2 तारीख को गांधी मैदान में न्याय यात्रा का समापन कर रहे हैं और उसके विरोध में आज यहां विकास उपाध्याय जी के नेतृत्व में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से पब्लिक को ये संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति है और छत्तीसगढ़ को न्याय मिलना चाहिए। जागरूकता अभियान है, छत्तीसगढ़ महतारी है, एक राक्षस नुमा एक डकैत है, एक हत्यारा है, हम ये न्याय मांग रही है। एक तरफ छत्तीसगढ़ महतारी के तराजू में सिर्फ हत्या, बलात्कार, चोरी, डकैती दिख रही है, दूसरी तरफ न्याय का गुहार हम लगा रहे हैं लेकिन न्याय मिल नहीं रहा। कांग्रेस पार्टी के द्वारा पूरे प्रदेश के अंदर ये इस यात्रा को लेकर जनता की भलाई के लिए कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है। और चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे भोपाल की। तो बेटियों की सुरक्षा पर जीतू